कहानी तो बस वहीं से आइडिया शुरू हुआ। बट एक एक इसके साथ एक मैसेज भी आ रहा है, बड़ा आसानी से, जैसे वो पान भी खा रहे हैं तो वैसे ही लपेट के खिला दिया वो एकदम, कि मैसेज है लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ फुल हो। बिल्कुल, हमने एक चीज देखी कि जबरिया शादियां होती हैं, लड़कों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, बट क्यों उठाया जाता है वो एक बहुत ही उसके पीछे कॉमिकल सी चीज है कि इसलिए उठाया जाता है कि दहेज ज्यादा मांगते हैं। तो आई थॉट कि ये बहुत अच्छा जवाब है दहेज के खिलाफ, एंड ये एक तरीके से आपको लगेगा कि बहुत क्रिमिनल सी चीज है, बट क्यों ये कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत फनी हो जाता है। मैंने ये सवाल सोचा था एकता के लिए एंड ऑफ कोर्स शैलेश सर के लिए। अब आप हैं, प्लीज हमें बताइए इन दोनों को कितना धमकाना पड़ा, परी को और सिद्धार्थ को यहाँ पे, या उठवा ही लिया था कि भाई तुम्हें ही चाहिए हमको। आई थिंक सबसे पहले सिद्धार्थ को हमने अप्रोच किया था, और पहली बार सुनने के बाद ही उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ मैं मुझे फिल्म करनी है। ऐसी सारी लड़कियों को ले गए थे, 100 लोग बाहर से स्टोरी और ये कैरेक्टर आई थिंक इन्होंने पहले नहीं किया था। उसके बाद परी को हमने सुनाया, आई थिंक उन्होंने भी पहले सुनने के बाद बोला हाँ मैं कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, भेजने नहीं पड़े गुंडे चुंडे, किसी को भेजना नहीं पड़ा। अच्छा, ओके। यू नो अक्सर एक्टर्स की जब बात करते हैं, मेथड एक्टिंग की लोग बड़ी बात करते हैं, आप लोग को जब भी हमने देखा, यू गाइस गेट इनटू द यू नो द कैरेक्टर, यहाँ पे सर कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या करना, उठवाया लोगों को, उठाए, क्या करा? मुझे एक्चुअली लड़कियों को उठाने का एक्सपीरियंस था, बट यहाँ पे लड़कों को उठाना था, तो काफी मेहनत लगी, काफी प्रैक्टिस लगी जी, और बड़ा मुश्किल था उसको कन्विंसिंग भी करना, क्योंकि लड़कों में इतना इंटरेस्ट मतलब है तो, बट लड़के में अलग इंटरेस्ट, अलग लेवल है, अलग लेवल। यादव साहब आप बताएं हमें थोड़ा सा, या प्लीज टेल अस हाउ वाज इट फॉर यू। मुझे लड़के उठाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये कह सकते हो अभी प्रैक्टिस हो गई है, जब मेरी शादी होगी आई थिंक वो मानेगा नहीं तो मैं ये करने वाली। हम तैयार हैं। ओह, ऐसे कहते हैं जवाब उठाने के लिए, साथ देने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है भाई, तैयार। हाँ कर दिया यार सिद्धार्थ ने, यही छापने वाले हो जी। हाँ, गौर से सुनिए। राइट जावेद सर, यू नो वन मोर टाइम, मतलब जैसे कहते हैं ना, ठोक डाला, बजा डाला, कमाल कर डाला, व्हाट डू यू हैव टू से, यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कास्ट एंड क्रू? इट वाज फॉर मी वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज अप्रोच्ड टू प्ले द फादर ऑफ अ लीडिंग मैन। आई सेड ओके, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, बट आई हैव टू डू इट समवेयर, तो कहीं तो करना है। तो मुझे स्क्रिप्ट बड़ी चली, प्रशांत ने जब हमें सुनाई जी, तो बहुत कन्विंसिंगली एक सिटिंग में हम समझ गए कि ये बड़ी सही फिल्म है। सिद्धार्थ का नाम लिया, आई लव हिम, आई एडमायर हिम, हिज गॉट अ ग्रेट पर्सनालिटी, उस तरह नहीं, उस तरह नहीं, तो बट सो आई एंड परिणीति ऑफ कोर्स आई लव द वे शी इज, यू नो इट्स लाइक ऑर्गेनिक है, शी ग्रोज विद द रोल, सो आई जस्ट लव द कास्ट व्हिच केम टुगेदर, एंड तो मुझे लगा कि इसका एक हिस्सा बनाना जरूरी है, तो ठीक है, बाप सही तो बाप सही, कोई बात नहीं। एब्सोल्युटली चंदन, दिस वन्स फॉर यू, यू नो वी सॉ द मस्ती ऑन द बिग